दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जिस कार्य के लिए हम जिस कार्य को करना चाहते हो उस कार्य को करने के लिए हमें तन और मन से मेहनत करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हम जिस कार्य को जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को लेकर के हमें इस प्रकार से काम करना है कि जब हम जाग रहे हो तब तो उस कार्य को करें ही, लेकिन जब हमें नींद आ जाए तब हमें इस प्रकार के सपने दिखाई दे कि मानो उस कार्य को हम पूरा कर रहे हैं, उस कार्य पर हम कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मित्रों ने हमें कमेंट्स भेजा कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। तो एक बात बता दें कि अनुभव बायो मटेरियल पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम गोपाल वर्मा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स जहाँ पर समस्याएं ना हो, जहाँ पर चुनौतियां ना हो, उस कार्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जिस जगह पर सबसे ज्यादा चुनौती होती है, सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, वो कार्य उतना ही ज्यादा महत्व रखता है, उतने ही ज्यादा उस कार्य की पहचान होती है। और एक बात बता दें कि हम सोचते हैं कि जो आप प्लेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठ करके हवाओं से बातें करते हैं तो ये यूं ही बन गया होगा, नहीं। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। आपने हेनरी का नाम सुना होगा, हेनरी ने अपने इंजीनियरों से कहा कि मुझे एक ऐसा इंजन बना कर दो जिसमें आठ के आठ सिलेंडर लगे हों। वहां पर उपस्थित सभी इंजीनियरों ने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मुझे ऐसा इंजन चाहिए ही चाहिए जिसमें आठ सिलेंडर एक ही जगह पर लगे हों। इंजीनियरों ने कहा नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा हेनरी तू पागल है। उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने क्या किया, हेनरी ने ड्राइंग पेज पर ड्रॉ करके दे दिया और इंजीनियर को बोले कि अब लेकर के जाओ और इसको तैयार करो। फिर 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, बाद में रिपोर्ट मांगी तो बोले नहीं हो सकता। इंजीनियर बोले नहीं हो सकता। हेनरी बोले फिर से ले जाओ और इस कार्य को करो। फिर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद और 4 महीने, फिर 6 महीने बाद रिपोर्ट मांगी तो फिर इंजीनियर बोले नहीं हो सकता। तब हेनरी ने कुछ नहीं कहा सिर्फ इन 3 शब्दों के अलावा, और वो 3 शब्द क्या बोले वो हम आप लोगों को बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चाहिए ही चाहिए, इस कार्य को करने के लिए कितना समय भी लगे लेकिन मुझे नहीं पता, और मुझे सिर्फ इस कार्य को आप लोग करके दे। सिर्फ उन्होंने यही 3 शब्द कहे, चाहिए ही चाहिए, समय चाहे जितना लगे सिलेंडर, लेकिन मुझे 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह पर लगे होने चाहिए। कहां चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां तो हर जगह हैं। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, इसकी एक बहुत बड़ी सेना थी। आपने अल्पास पर्वत का नाम तो जरूर सुना होगा, वह उस पर फतेह करना चाहता था। अल्पास इतना खतरनाक था कि जो गया समझो वह मर गया। नेपोलियन क्या करता है, वहां पर सेना को लेकर चल देता है और तब रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और नेपोलियन से पूछती है तू कौन है, तू कहां जा रहा है, तू क्या चाहता है। नेपोलियन बोला अल्पास पर फतेह करने जा रहा हूँ, फतेह हासिल करने जा रहा हूँ। तब बूढ़ी औरत कहती है तू लौट जा, मैं तुझसे बड़ी हूँ, जो आया है यहाँ पर समझो मर गया। तब नेपोलियन हंसने लगा, घोड़े पर बैठा था और हंसने लगा और बोला चुनौती कहाँ नहीं है माताजी, जब मैं वापस आऊंगा, जब मैं विजय हासिल करके वापस आऊंगा तब आप मेरी जय जयकार करोगी। और सेना को बोला चलो आगे बढ़ो, मैं पूछता हूँ चुनौतियाँ कहाँ नहीं है। एक बार एक आदमी मर गया और वह भगवान के पास पहुँचा। उधर भगवान के पास जब पहुँचा तो वह बोला ओ भगवान, और तू जो है बहुत ही बेकार है, मैं कहता हूँ तू बहुत बेकार है, आपको तो सब कुछ पता होता है कि अब बरसात नहीं करनी है, अब धूप नहीं
निकालनी है, अब हवा नहीं चलानी है, तब भी आप क्या करते हो कि आपको सब कुछ पता है कि अब बरसात नहीं करानी है, तब भी फसल अगर खड़ी होती है तो आप पानी बरसा देते हो, आप आंधी चलवा देते हो, यह सब कुछ आपको पता है, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? यह सब कुछ कार्य या जिम्मेदारी आप मुझे कुछ दिन के लिए दे दें। भगवान बोले नहीं नहीं, वह व्यक्ति नहीं मानता है और जिद ठान लेता है कि मैं इस कार्य का संचालन कुछ दिन के लिए करूंगा और वह इस जिम्मेदारी को भगवान से ले लेता है। और भगवान बोले ठीक है, अरे अगर तुम नहीं इसको मानते हो तो ठीक है। अब क्या करता है, भगवान की वो सारी जिम्मेदारी वह किसान ले लेता है। अब जब फसलें बोई जाती हैं, जो गेहूं की फसलें बोई जाती हैं, धान गेहूं की फसलें जब बोई जाती हैं, तो जितना टेम्परेचर उसे आवश्यकता होती है उतने ही टेम्परेचर की धूप निकाल करके वह पौधों को प्रदान करता है। जितनी बरसात की आवश्यकता होती है उतनी वह बरसात करवाता है और जब उसे हवा की जरूरत होती है तभी वह हवा को चलाता है। फसल बहुत ही बेहतर तैयार हो जाती है और जब पक कर तैयार होने वाली होती है, थ्रेसिंग होने वाली होती है, प्रोसेस होने वाली होती है, तब उसमें देखता है, किसान ने देखा कि एक भी दाना नहीं बना है, तब वह बहुत ही हैरान हो जाता है और भगवान से पूछता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, फसल तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसमें सभी संतुलित मात्रा में मिली थी, फिर ये सब कैसे हो गया कि बीज के कोई भी दाना या कोई भी बीज नहीं दिख रहा है। भगवान बोले कि तुमने क्या किया, तुमने ना ही उन पौधों को तेज हवा से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने दी और ना ही तेज धूप सहन करने की क्षमता उत्पन्न होने दी, जिससे कि उनके बीजों में अंकुरण नहीं हुआ और कोई भी दाना विकसित नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि जो समस्याओं से डरेगा, जो चुनौतियों का सामना नहीं करेगा, वो इस समाज में, वो इस जगह पर, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने भी कहा है, नेचुरल सिलेक्शन में भी कहा गया है, अडॉप्टेशन में भी कहा गया है कि जो जीवधारी वातावरण के अनुसार अपनी स्थितियां या फिर वातावरण की जो परिस्थितियां होती हैं इनके अनुसार अगर अपने शरीर को नहीं ढालता है तो उसके अस्तित्व का समापन होता है, वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह से आप ध्यान रखें, चुनौतियों से कभी ना डरें, उनका सामना करें और समस्याओं से कभी ना डरें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।